अध्यक्ष जी वेटर्न अर्जुन साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज 9 तारीख की मीटिंग के बाद हमारी पहली मुलाकात हो रही है। और दूसरा, जो अभी तक उत्तराखंड वीर भूमि से, देव भूमि से जिन सपूतों ने, बुजुर्गों ने, दिग्गजों ने, पूर्व सैनिकों ने अभी तक मोर्चा संभाला, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। दूसरा, आज राजस्थान की टीम जो ये मोर्चा संभाल रही है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अभिनंदन। आज अभी अभी पहले तो मैं एक आपके साथ एक इंफॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूं और एक जो मिसाल दी है हमारे हिमाचल प्रदेश वालों ने, जिन्होंने यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश का बना के संपूर्ण स्टेट ने अपना समर्थन दिया है जॉइंट एक्शन कमेटी को, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो एक मिसाल कायम की है, इसी तरीके से मैं अपने संपूर्ण देशवासियों से, सभी राज्यों के जितने भी हमारे दिग्गज हैं, चाहे वो रिक्रूट से हैं, चाहे वो ऑनररी कैप्टन से हैं, वो सब आज दिग्गज हैं, पूर्व सैनिक हैं, सबका सम्मान करते हैं हम, सब एक हैं। पद जब तक हम जॉब कर रहे थे तब तक हमारे पद थे, अब हम रिटायर्ड होने के बाद पूर्व सैनिक हैं। सभी से अनुरोध है कि वो एक साथ मिलें, और मैं जब लोगों के साथ बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं यार कुछ नहीं होने वाला। कैसे कुछ नहीं हो सकता है? आप एक चीज बताइए, जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, राज कर रहे थे, कुर्सी पर बैठे थे, उन्हीं में से आपके भाई निकले थे और उन राजाओं को, उस देश को देश से निकाल के बाहर फेंक दिया और आजादी ली। तो आज तो आप हैं, आपकी सरकार है, आपके नुमाइंदे हैं और आपकी अपनी यूनियन है, तो कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं हो सकता? आपकी संवैधानिक मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं वो सब कुछ हो सकता है, बशर्ते कि आप एक रहें। इस मानसिकता से बाहर निकले के कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है लेकिन रहें एक। दूसरा, जितने भी मंच पर मौजूद हमारे पूर्व दिग्गज आए हुए हैं, उन सभी का सम्मान करते हुए मैं दो चार बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, कोई भी चीज मेहनत से ही मिलती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं अनुरोध करूंगा जनक राज जी, वेटर्न जम्मू एंड कश्मीर से जनक राज जी, कृपया यहाँ आए। 20 फरवरी से आज तक मैं जितनी बार भी जंतर मंतर पर आया हूँ, मैंने हमारे जो दिग्गज हैं यहीं पर पाया है। दूसरा, तब से लेके अब तक जितनी बार भी मैं आया हूं, हिंदुस्तान के एक कॉर्नर में केरल से आए हुए सूबेदार बाला किशन जी, जो हमेशा मुझे यहीं पर मिले, मैं उनका सम्मान चाहता हूं आपकी तरफ से। बाला किशन ऑनररी कैप्टन सुखदेव जी कहीं हो तो प्लीज मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। जब भी मैं यहां आया हूं, सिर्फ एक बार ऐसा रहा है कि मुझे 9 अप्रैल को साहब से मुलाकात नहीं हुई। मैं साहब से पहले व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं जानता, लेकिन हर बार मैंने यहां पर देखा है। कैसे नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम नहीं जानता हूं, सामने खड़े हुए हैं शख्स, कृपया आप भरतपुर से, जोधपुर से यहीं पर मिले हैं, और इन्होंने आज तक मेरा नंबर नहीं लिया, ना ही मुझसे कांटेक्ट किया है, लेकिन मिले यहीं पर हैं। और भी बहुत सारे चेहरे हैं, किस किस का नाम लूं, मेरी तरफ से उनमें आप सब सम्मिलित हैं, जो
इस एज में दूर से चल के यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, किसके लिए? सिर्फ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने हक के लिए। हमने तो जिंदगी जी ली, हम तो जी चुके, लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं वो हमको ये ना कहें कि हमने उनके लिए क्या किया। अपने खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके हम शिकार हैं, उस अत्याचार के खिलाफ भी हमने आवाज नहीं उठाई, तो हमें हमारा समाज, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। आज ये जो वो मंच है, इस मंच से इतिहास गवाह है, कितने ही लोग देश के प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अपनी अपनी मांगे पूरी की। अब समय आपका है कि आप भी, और कुछ भाई जो भटक रहे हैं उनको भी लाने की कोशिश करें, किसी की टांग ना खींचें, किसी पे कटाक्ष ना बोलें, कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें कि जो शब्द वापस कोई आपके लिए बोले और आपको वो अच्छा ना लगे। आप चाहे सरकार के खिलाफ बोलो, चाहे अधिकारियों के खिलाफ बोलो, चाहे जितनी भी गलत पॉलिसियां हैं, नीतियां हैं, उनके खिलाफ बोलो, लेकिन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोलिए, संविधान के तहत बोलिए, मान मर्यादा का सम्मान रखते हुए बोलिए। हो सकता है कल आपको उनके साथ बैठना पड़े, वो आपके साथ आए, तो आपको उनसे नज़र मिलाने में हिचकिचाहट ना हो। आप गलत चीज़ों को सामने लाइए, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल अपनी जुबान से मत कीजिए। ये मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है। ये मान लीजिए कि वो कुछ लोग हैं जो भटक गए हैं, समय आएगा समझ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। किसी भाई को थोड़ा मंच पे आने का शौक है, उसको मंच नहीं मिल रहा, इसलिए नाराज हो सकता है। किसी भाई को पद की आशा होगी, पद नहीं मिल रहा, इसलिए नाराज हो सकता है। किसी भाई की बात ना सुनी गई हो, वो सही हो, कहना चाह रहे हो, इसलिए नाराज हो सकता है। नाराजगी की और भी कुछ वजह हो सकती हैं, व्यक्तिगत किसी का किसी से द्वेष भाव हो, लेकिन उनको सार्वजनिक ना करें। कोई फायदा नहीं है एक दूसरे की टांग खींचने से, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है, कुछ इधर उधर की बातें हो जाती हैं तो उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि आप कमांड करके आए हैं, आपने कहीं सेक्शन चलाया है, कहीं आपने कंपनियां चलाई हैं, कहीं आपने बैटरियां चलाई हैं, कहीं आप प्लाटून कमांडर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको नज़रअंदाज करनी पड़ती थी, कुछ चीज़ें सुनी अनसुनी करनी पड़ती थी, सामंजस्य बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है, झुकता वही है जिसमें दम होता है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ने की किसी के सामने जरूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करें। यही बताएंगे कि आप कितने सुसज्जित हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने संस्कारी हैं, कितने अनुशासित हैं। और जहां अनुशासन की बात आती है, तो आज तक सेना का अनुशासन ही सेना की बैकबोन है, और अनुशासन का जब भी जिक्र होता है तो सेना का ही नाम लिया जाता है। दूसरा, इस मुद्दे पे जो हमारी विसंगतियां हैं, चर्चाएं तो बहुत हो चुकी हैं और सारी आप लोगों को पता है, फिर भी मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताता हूं। ओआरओपी का तो आपने देख ही लिया है, 29,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि आने के बाद हमारे जेसीओ और जवानों के खातों में, जेसीओ वर्ग के खाते में, ऑनररी रैंक के खाते में तो एक रुपया तक भी नहीं आया। और मैसेज आ रहा है पूर्व सैनिकों पर, नो चेंज, उनकी पेंशन के स्टेटस में कोई भी चेंजेस नहीं है। क्या इतना हो सकता है कि 28,000 करोड़ रुपए से एक भी पैसा ना मिले? ये अपने आप में बता रहा है कि कितनी बड़ी विसंगतियां हैं।